नंबर सिक्स, अगर हाथों की बात हो गई तो नीचे वाले हाथ जो कि हम कहते हैं फीट, वो भी बहुत जरूरी होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही क्रेजी ट्रिक मैंने किसी बुक में पढ़ी थी, बॉडी लैंग्वेज पे ऑफ कोर्स, कि जिस डायरेक्शन में आपका जेन्युइनली जिंदगी में जाने का मन होता है ना, आपके फीट उस डायरेक्शन में टिल्टेड होते हैं। आप कभी भी नोट करिएगा, कभी कभार ऐसा होगा कि आप किसी के साथ कमरे में बात कर रहे हैं और उनके फीट एक्चुअली दरवाजे की तरफ हैं, साइकोलॉजिकली उनका माइंड ऑलरेडी निकलने की होड़ में है। तो आपको इन सब क्यूज़ को पकड़ना है और उन्हें अपनी बात में थोड़ा और इंटरेस्टेड करना है, ताकि उनके पांव भाई आपकी तरफ आ पाएं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि सोशल सिचुएशन में अगर दो लोग हैं किसी इंसान के सामने, तो जिस इंसान को वो ज़्यादा लाइक करता है या करती है, उसकी डायरेक्शन में इनएडवर्टेंटली फीट थोड़े बहुत मुड़े हुए होते हैं। ऑल्सो ऑफकोर्स, जिस तरह मैंने आर्म्स की क्लोज डाउन पोजिशन बताई, उसी तरह फीट का भी होता है। अगर आपके सामने कोई टांग पे टांग इस तरह क्रॉस करके खड़ा हुआ है, तो वंस अगेन एक लेयर ऑफ डिफेंसिवनेस है, वो आपसे अभी ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाया। दैट्स अनदर बॉडी लैंग्वेज हैक फॉर यू व्हिच इन्वॉल्व्स द नंबर सेवन, क्विकली हेड नॉडिंग। अगर आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ऑब्वियस है कि जब भी बात करते हुए कोई आपके साथ हेड नॉड कर रहा होता है तो आपके साथ अग्रीएबल पोजीशन में होता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा हेड नॉड कर रहा होता है, तो एक सर्वाइल एटीट्यूड कहा जाता है। सर्वाइल एटीट्यूड क्या होता है? दासी जी जहां अपना। तो हेड नॉड अगर कोई बहुत ही ज्यादा कर रहा हो, तो इतना भी ज्यादा किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बिल्कुल स्टिफ हो, 10 मिनट से आप किसी से बात कर रहे हो और सामने से बिल्कुल भी हेड नॉड नहीं आ रहा, तो भाई उस पे कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो अगर आप एक अप्रोचेबल अट्रैक्टिव इंप्रेशन जमाना चाहते हैं किसी पे, तो बीच बीच में जब बात करें, जब आप किसी बात से उनसे एग्री करें, तो हेड नॉड किया कीजिए। नंबर एट, बात और पेचीदी और कॉम्प्लेक्स होते चली जा रही है। इस बॉडी लैंग्वेज हैक को कहते हैं मिररिंग। अब ये क्या बताती है? ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके ऊपर है, बट मेरा काम है इस वक्त आपको एक बताना। मिररिंग एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज की टेक्निक होती है कि अगर आपको किसी को अपना दोस्त बनाना है, या किसी के साथ ओपन अप होना है, या उनको अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करना है, तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज मिरर करना मांगता है। अब बॉडी लैंग्वेज मिरर करने का मतलब क्या है? कि अगर कोई आपके सामने इस तरह से खड़े होकर ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है, तो आप भी उनके सामने जब खड़े हैं, आप भी इस तरह के जेस्चर्स यूज़ कर रहे हो। अगर वो आपके सामने थोड़ा ऐसे करके उस वक्त बात कर रहे हैं, तो आप भी उनके सामने खड़े होकर इनएविटेबली थोड़ा ऐसे करके थोड़ा बात करें, क्योंकि मूड मैचिंग मिररिंग जो होती है, वो बहुत ही सीक्रेट हैक होती है। फॉर एग्जांपल, अब आप मेरी ये बात मानेंगे, जब कोई आपसे बहुत सीरियस बात कर रहा होता है यार, अपने किसी फेलियर के बारे में बता रहा होता है, और सामने से आप बहुत एक्साइटेड और फ्रेंडली और इस वक्त लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं, व्हाट गलत लगेगा, क्योंकि मूड मैचिंग नहीं हुई है। इसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज की मैचिंग भी जब होती है, जब सीरियस बात पे आप भी सीरियस होते हैं, जब उसकी एक्साइटमेंट में आप भी एक्साइटेड होते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी इस तरह की मूड मैचिंग और मिररिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बॉडी लैंग्वेज का हैक है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आप कर सकते हैं। बट डू नो दैट इट इज़ येस अ लिटिल बिट मैनिपुलेटिव ऑफ अस या यू व्हेन यू ट्राई टू डू इट। सो ट्राई टू यूज़ इट इन अ गुड कॉन्टेक्स्ट एंड इन एन एथिकल वे फॉर गुड कॉजेस। नंबर नाइन, टच, डू नॉट टेक इट इन द रॉन्ग वे। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी एक ब्रदरहुड और कॉमराडरी और रिलेशनशिप में एक इंटीमेसी लेवल रीच कर चुके हैं, तो स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री के पार आप थोड़ा सा हल्का सा जेंटल टैप ऑफ टचिंग को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मेल हूँ और मेरे सामने एक मेल कोलीग है, और उसको मेरे साथ एक, मुझे उसके साथ थोड़ी बॉन्डिंग बनानी है और वो लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो अगर मैं साथ में आके बस उसके यहाँ पे ऐसे टच करता हूँ, और यार क्या चल रहा है, तो हल्का सा शोल्डर टच जो होता है, हल्का सा एल्बो टैप जो होता है, वो थोड़ा साइन ऑफ ओपननेस और जल्दी से एक दूसरे के थोड़े क्लोज आने की निशानी होती है। नो कैवियट, प्लीज डू नॉट यूज इट ऑन द ऑपोजिट सेक्स इमीडिएटली ऑन योर फर्स्ट डेट, बिकॉज देन इट बिकम्स मेसी बिकॉज दे पिक अप द रॉन्ग सिग्नल्स। बट अ साइन ऑफ टच कैन बी अ जेस्चर ऑफ पॉजिटिविटी and you can use it to your advantage, but be very very careful about it, because that is why I had put it on number 9 of the list. pehle 8 tips jo hain unhe master karna seekhe। And finally, number 10 body language hack is space। jis tarah maine pichle wale angle mein bataya tha ki touch kisi ke sath ek intimacy level reach karne ke baad hi use karna chahiye, usi tarike se space aap dono ke beech mein hota hai, wo bhi inadvertently ek body language ka hi extended version hota hai। kya aapko kabhi pata hai, gyan shot, ek lift ke andar jaise hi aap ghuste hain, achanak se log aapke sath itne chipak ke khade hote hain, aapko wo awkwardness feel hoti hai, sab apne phone nikal ke dekhne lag jate hain, कोई आपसे इतना यहाँ चिपक के खड़ा हुआ है, आप इधर देखने लग जाते हैं। क्यों होता है वो? क्योंकि हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट कह रहा होता है कि हे ब्रो, ये मेरा पर्सनल स्पेस है, इतना पर्सनल स्पेस है, यहाँ तो मेरे फ्रेंड्स आते हैं, यहाँ तो मेरी फैमिलीज आते हैं, उसके बाद एक सोशल सिचुएशन होती है, उसके बाद तुम एक स्ट्रेंजर हो, एक स्ट्रेंजर लिफ्ट में घुस के अचानक मेरे इतने पास कैसे खड़ा हो गया, आई एम फीलिंग इनसिक्योर अबाउट इट, मेरी पर्सनल टेरिटरी में घुस रहा है। तो आप स्पेस एक इंसान से कितना ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं, या ओरिएंटेशन, अगर आप एकदम आमने सामने बात करते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज में एक अटैकर डिफेंसिव
फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, आमने सामने कॉम्पिटिटर्स, एनिमीज की पोजीशन होती है। अगर आपने कभी भी दोस्त देखे होंगे तो इस तरह से बात करते हैं, ऐसे खड़े हो गए। तो ये स्पेस से लेके कुछ पेचीदी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बॉडी लैंग्वेज के परलांस में अपने टूवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अब इससे पहले कि ये वीडियो बहुत लंबी होती रहे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में लोग कि क्या आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स के हैक्स पे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू नो मोर सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोर हेल्थ एंड वेलनेस वीडियोस, देन आई विल मीट यू राइट ओवर हियर वेयर आई हैव मेड एन एंटायर प्लेलिस्ट ओवर द लास्ट 1.5 years। लेट्स सी ओवर देयर। बट इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट। Till then, it's Karan Rana signing off.